प्यारे बच्चों, आज आपको हम सर्किल का एक मैथ दिए हैं। सर्किल का मैथ में हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 2πr और पाई डी, डी फॉर डायमीटर और डी मतलब 2 रेडियस, ये हम लोग जानते हैं। मगर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 और सर्कम्फ्रेंस के लिए जब होगा सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सेक्टर और पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, या पेरीमीटर बोला जाएगा क्योंकि दे आर टू शार्प एज रहता है, तो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू 2πr इंटू थीटा बाई 360 प्लस 2r। तो क्वेश्चन दिया, देखिए क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 times ऑफ इट्स रेडियस। तो लेट द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर इक्वल टू r, हमने r मान लिया इसको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इक्वल टू 2πr इंटू थीटा बाई 360 प्लस 2r, जो अभी बोला है ये वाला हो गया, इसका प्लस आर प्लस आर, ये चीज को याद रखिएगा। तो 4r इक्वल टू 2πr इंटू थीटा बाई 360 प्लस 2r, 2r को इधर लाया तो 4r माइनस 2r इक्वल टू 2πr इंटू थीटा बाई 360। अब क्या होगा, 2r इक्वल टू 2πr इंटू थीटा बाई 360, 2r कैंसिल होगा, therefore pi equal to theta by 360। यार इसमें ख्याल रखिएगा क्योंकि 4 times of radius बोला, क्या perimeter equal to, perimeter मतलब 2πr into theta by 360 plus 2r, उसको हम just जैसे equation करता किए तो r का value theta 360, sorry pi का value 360 by theta हो गया। And now area of sector equal to pi r square into theta by 360। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई का वैल्यू मैंने बैठाया यहाँ से 360 बाई थीटा इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, जो इसका साथ ओरिजिनल है। तो थीटा थीटा कैंसिल, 360 कैंसिल रह गया आर, तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सब यानी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है, आप जरा ख्याल कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे अपना दोस्त में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।